हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका इस वीडियो में। दोस्तों, वुहान वायरस यानी कोरोना महामारी से पूरी दुनिया परेशान है, लेकिन भारत ने इस महामारी को ख़त्म करने की दवा बना ली है और इसे लॉन्च भी कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, कोरोना महामारी के लिए यह दवा भारतीय फार्मास्यूटिकल्स ग्लेनमार्क ने शनिवार को लॉन्च कर दी है। ग्लेनमार्क का कहना है कि यह दवा कोरोना वायरस से मामूली रूप से संक्रमित रोगियों के इलाज के लिए लॉन्च की गई है। ग्लेनमार्क ने एंटीवायरल दवा फेविपिराविर को लॉन्च कर दिया है, जिसको नाम दिया गया है फैबीफ्लू। ड्रग्स कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया ने इस दवा को बनाने और बेचने की मंजूरी दे दी है। दवा बनाने वाली कंपनी ग्लेनमार्क का कहना है कि फैबीफ्लू कोरोना यानी कोविड-19 के इलाज के लिए खाने वाली फेविपिराविर पहली दवा है। दोस्तों, यह दवा ऐसे समय में आई है जब भारत में पहले के मुकाबले अधिक तेजी से कोरोना वायरस मरीजों की तादाद बढ़ रही है। इससे हमारा हेल्थ केयर सिस्टम काफी दबाव में है। उम्मीद जताई जा रही है कि फैबीफ्लू जैसी प्रभावी इलाज की उपलब्धता से दबाव को काफी हद तक कम करने में मदद मिलेगी। कंपनी का कहना है कि क्लिनिकल ट्रायल में फैबीफ्लू ने मामूली कोरोना संक्रमित मरीजों के इलाज में बेहतर नतीजे दिए हैं। इस दवा की कीमत ₹103 प्रति टैबलेट है। पहले दिन इस दवा की 1800 mg खुराक 2 बार लेनी चाहिए। इसके बाद 14 दिन तक रोज 800 mg दवा दिन में 2 बार लेनी चाहिए। यह दवा डायबिटीज और हार्ट की बीमारी से पीड़ित लोगों को भी दी जा सकती है। दवा कंपनी ने कहा है कि इस दवा से 4 दिन में ही कोरोना वायरस के मरीजों में सुधार दिखने लगता है। तो दोस्तों, अब सरकार को इस दवा के डिस्ट्रीब्यूशन और मैन्युफैक्चरिंग पर तेजी से काम करना चाहिए, ताकि ये पूरे भारत में यह दवा सबको मिल सके। आशा करते हैं दोस्तों, आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी दबा लीजिए, ताकि सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो दोस्तों, सुरक्षित रहें, खुश रहें और स्वस्थ रहें। धन्यवाद।